नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को। फोन गिर गया था, सॉरी। आज शुरू करेंगे हम भगवत गीता चैप्टर 8 के श्लोक 26 को। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्ला कृष्णे गति हे इते गत्यात ससवते माते यकया यत्ये अनावृत्तिम अन्याय वर्तते पुना। According to Vedic opinion, there are two ways of passing from this world. One is light and one is darkness. When one passes in light, he does not come back. When passes in darkness, he returns. The same description of departure and return is quoted by Acharya Baladeva Vidyabhushana from the Chandragya Upanishad. Those who are fruitive laborers and philosophical speculators from time immemorial are constantly going and coming. Actually, they do not attain ultimate salvation, for they do not surrender to Krishna. अगर आपने surrender नहीं किया, जैसे मैं अभी तक surrender नहीं कर पाई हूँ कि मुझे इस जगत को, कभी कभी कर पाती हूँ तो वापस से लगता है नहीं, मुझे शायद कुछ और बाकी है यहाँ पे, इस जगत पे रहना ही अच्छा लगता है। तो इस जगत के साथ में आप अटैच्ड हो, जैसे आपने अटैचमेंट छोड़ दिया एंड आप बोले कि ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी तरीके से कृष्ण के पास में जाने के लिए तैयार हूँ, तब जाके आप यहाँ से मुक्त होने के लिए रेडी हो। जब तक आप अलाउ नहीं करोगे तब तक वो चीज आपके साथ में होगी नहीं। तो मैं कुछ हद तक अलाउ कर पाती हूँ, कुछ हद तक नहीं कर पाती हूँ, तो मिडिल में अभी घिसट रही हूँ, शायद धीरे धीरे करके उससे निकल जाऊं। सो यही चीज बोला गया है कि जो लाइट के टाइम पे जाते हैं तो वो चले ही जाते हैं, जो अंधकार में जाते हैं तो वो रह जाते हैं या वापस आते हैं। ये तक था श्लोक नंबर 26 और भगवत गीता चैप्टर 8। अगले वीडियो में हम श्लोक 27 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे, जय श्री राम।